कि पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी दरमियान हमलावरों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस दौरान ट्रंप तुरंत डायस के नीचे, यानी कि जिसको पोडियम कहते हैं, उसके नीचे बैठ गए और सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर तक वो डायस के नीचे ही छिपे रहे। इस दौरान हमलावर गोली चला रहा था, बाद में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उन्हें वहां से लेकर निकले। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने हालांकि मार गिराया है, अभी उसकी पहचान नहीं। हालांकि अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है। हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गए हैं। और इस हमले में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है, जो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक बताया जा रहा है, और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने एक अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई है, जहां उन्हें थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया गया है। ट्रंप ने बाद में कहा कि उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है। फिलहाल ये पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली को आयोजित कर रहे थे। अगर भारतीय टाइम के समय के अनुसार देखें तो सुबह के 4 बज रहे थे, अमेरिका के समय के हिसाब से देखें तो शाम 6:30 बजे इस रैली को आयोजित करने पहुंचे थे। हालांकि जो बाइडेन राष्ट्रपति मौजूदा यूएस के, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है व्हाइट हाउस में, सीधे चुनावी रैलियों को बीच में छोड़ते हुए ही वो सीधे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही, रैलियां हो रही हैं। इस बीच में गोली चलना एक बहुत बड़े हमले की तरफ संकेत दे रहा था। बाल बाल हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बच गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हमलावरों ने शाम 6:30 बजे जब पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली को आयोजित कर रहे थे, पोडियम पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तभी हमलावरों ने एक नहीं दो नहीं कई राउंड की फायरिंग की और उसके बाद उन जैसे ही गोली उनके पास आई वो उनके दाहिने कान को छू कर निकली है और वो पोडियम पे सीधे नीचे बैठ गए। तब तक सर्विस के एजेंट्स जो है वो सीधे ही वो पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां से वो लेकर कैसे वो लेकर गए, सीधे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बताते ये भी चले कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने जो वहां पर हमलावर थे, हालांकि उनको ढेर कर दिया है, लेकिन इन बीच में क्योंकि भारी तादाद में वहां लोगों का जमावड़ा था, रैली को संबोधित जो कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनको सुनने के लिए उनके समर्थक वहां पर जुटे हुए थे। उस दरमियान बताया जा रहा है कि हमलावरों की गोली से एक डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक की मौत भी हुई है, दो लोग घायल हुए हैं। ये आपको फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे गोली आती है, डोनाल्ड ट्रंप उस पोडियम डायस के नीचे छुप जाते हैं और उसके बाद जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स आते हैं वो एक मुट्ठी उठाकर सीधे कुछ इशारा करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हों वो लेकर जाते हैं। जब वो डाइस से ऊपर उठते हैं, यानी कि पोडियम से जब ऊपर उठते हैं, तो उनके दाहिने कान और चेहरे पर खून लगे होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह बताया है कि उनके दाहिने कान में गोली लगी है, तो अब ये कौन वहां पर रोक पहुंच पाए थे, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम नहीं थे, क्या किसी प्लानिंग के तहत वहां पर ये काम किया गया है, क्योंकि चुनाव होना है और उसके लिए जो कैंडिडेट जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का वो दौर भी हमने देखा उस हॉल में जब जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे। हालांकि यहां तक कि फैमिली यानी कि परिवार को भी उस आरोप प्रत्यारोप के बीच में घसीटा गया, लेकिन तो इस बीच में जब पेंसिल्वेनिया के बटलर में जब रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस बीच में ये ताबड़तोड़ गोलियां, हालांकि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ये बोला है कि हमलावरों को मार गिराया गया, लेकिन वो हमलावर कौन थे इसकी पहचान अभी होनी बाकी है। ये सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ा ट्वीट किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने ट्रंप पर हमले की निंदा की है। उन्होंने साफ तौर सोशल मीडिया एक्साइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे दोस्त पर हुए हमले से मैं चिंतित हूं,
दोस्त ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के गोली लगने पर और उनके ऊपर हमला को लेकर चिंता जाहिर की है। ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। एक तरफ हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल साइट पर जो ट्वीट उन्होंने किया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, यानी कि पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संवेदनाएं अमेरिका के लोगों के साथ है, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और वैसे भी ग्लोबल पीस की बात हमेशा से भारत की प्रथम दृष्टया रही है, हमेशा से बात करता रहा है, लेकिन जब यूएस में लोकतंत्र है और उस बीच में लोगों के बीच में हमलावर आते हैं और इस तरह से ताबड़तोड़ गोली से वार करते हैं तो ये बड़े हमले की तरफ संकेत देता है। हालांकि बाल बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो बता रहे हैं कि उनके दाहिने कान में गोली लगी है। हालांकि उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया हॉस्पिटल से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब ये बड़ा ट्वीट और उस पर क्या कुछ असर होता है, फिलहाल अब देखना होगा कि चुनावी रैली को बीच में ही छोड़कर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन वो सीधे व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने बुला ली है। इमरजेंसी मीटिंग में अब देखना होगा कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्या कुछ तय किया जाता है। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जहां पर बटलर में शाम के 6:30 बजे अमेरिका के समय के अनुसार बता रहे हैं उस समय रैली के दरमियान संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। तो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और ये भी आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का पिछली बार जब चुनाव होना था तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उनके पक्ष में वोट की अपील भी की थी, उसका एक अलग माहौल भी देखने को मिला था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरह से हमला को एक निंदा बताया है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में इस तरह के हिंसा वो कहीं से भी सही नहीं है।